हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आई होप आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पे मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि घर बैठे ही आप कैसे अपने पूरी फेस का केयर कर सकते हैं सबसे पहला ब्लीच उसके बाद में रेजर की सहायता से कैसे आईब्रोज को रिमूव करना है और उसके बाद फेशियल तो चलेगा आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए तो मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ प्लीज प्लीज़ प्लीज, प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो चलेगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लीच ब्लीच लगाने से पहले हमें ये ख्याल रखना है कि हमारे पूरे फेस को हमें क्लीन करना है या तो आप फेस वॉश से कीजिए मेरा फेस क्लीन था ऑलरेडी तो मैंने टिश्यू पेपर्स की सहायता से हुए तो टिश्यू से मैंने अपने फेस को पूरा क्लीन कर लिया उसके बाद में मैंने ब्लीच लिया ब्लीच जो कि मैंने पर्पल से ख़रीदा है पर्पल से जब मैंने इसे खरीदा तो ओनली इसे सिक्सटी फाइव रुपीज़ मुझे पड़े हैं इसके और उसके बाद में इसके अंदर ही मिलते एक छोटा सा ट्रे और एक छोटा सा चम्मच दो तो आप देख रहे हैं तो उसके बाद में इस पर एक सॉल्ट मिलता है तो उसे मैंने दो चुटकी डाल के इसे मैंने मिक्स कर लिया है और सबसे पहले मैंने गले पर आपने देखा कि थोड़ा सा लगाया मैंने क्यों ऐसा क्यों किया क्योंकि अगर लगाने के बाद में गले पर अगर मुझे रेसिस होता या खुजली होती या कुछ भी मतलब हो जाता तो मैं इसे स्किप कर देती और आप भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है इससे तो गैज़ मैंने इसे अपने पूरे फेस पे लगा लिया और इस तरीके से मैंने आफ्टर ट्वेंटी मिनट्स मैंने इसे इस तरीके से रिमूव कर दिया ब्लीच से क्या होता है ब्लीच से हमारे टैनिंग भी चली जाती है और हमारे फेस पे जो हीयर रहते हैं वो हमारे स्किन के कलर पे आ जाती है तो ये फ़ायदा है ब्लीच लगाने का और डेढ़ सेल भी रिमूव होते हैं ब्लीच से तो गाय मैंने पूरे फेस से अपना ब्लीच रिमूव कर लिया है देखे इस तरीके से और इस ऐसा रिजल्ट आया है आफ्टर ब्लीच देख लीजिए और अब बारी आती है आईब्रो की। तो आईब्रो रिमूव कर रही हूँ मैं ट्विंकली की रेज़र से जो कि मैंने मीशो से ख़रीदा हुआ है तो मुझे पिंक कलर का रेज़र पसंद आया तो मैंने इसे चूज़ किया और इससे रिमूव करने से पहले मैंने एलोवेरा जेल अपने आईब्रोज़ पे लगा लिया था तो उसके बाद में मैंने इसे इस तरीके से रिमूव किया गाइज इसे आपको 45 डिग्री के एंगल पे रख के इस तरीके से आपको रिमूव करनी है आईब्रोज़ इस तरीके से रिमूव करनी है आप कई लोग बोलते हैं कि आईब्रोज रेज़र लगाने से हमारे ग्रोथ और ज़्यादा हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है आप चाहो तो पूरे फेस पे भी इसे यूज़ कर सकते हो पूरे फेस से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो रेजर की सहायता से तो मैंने इस तरीके से पूरे आईब्रोज और अपर लिप रेज़र कर लिए इस तरीके से हालांकि मेरे उतने हैं नहीं फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपर लिप भी कर लिए वैसे भी मैं अपर लिप करती ही हूँ तो उसके बाद में ये मेरा डन हो गया क्लियर हो गया उसके बाद में मैंने अपने पूरे फेस पर लगा लिया टोनर टोनर लगाने के बाद में अब बारी आती है फेशियल। ये फेशियल किट गुड वाइब्स का है जो मैंने पर्पल से ही ख़रीदा हुआ है इस पर छुटको छुटको सा चार ट्यूब मिला है गाइज इस पर सबसे पहला है क्लिनजर तो मैंने इसे ओपन कर लिया है आप मैंने इसे पूरा का पूरा यूज़ किया है एक भी नहीं रखा अगर कंजूसी करके यूज़ करें तो दो बार तक का आपका फेशियल हो सकता है इस किट से तो मैंने सारा का सारा लगा लिया था सबसे पहले मैंने आ, क्लींजर किया अपने पूरे फेस पे पाँच मिनट तक इसे मैंने हल्के हाथों से मसाज किया और उसके बाद में मैंने इसे रिमूव कर दिया फिर बारी आई सेकेंड स्टेप की जो था स्क्रब स्क्रब को मैंने फिंगर टिप्स के मदद से पूरे फेस पे, आ राउंड राउंड करके पूरे फेस पे मसाज किया गाइज और उसके बाद में मैंने इसे 10 मिनट तक पानी आ, पानी की सहायता से पूरे फेस में हल्के हाथों से आ, मसाज करते हुए मैंने इसे भी रिमूव कर लिया ऐसा आप भी कीजिए जैसा मैं कर रही हूँ उसके बाद में जब मैंने इसे रिमूव किया तो मेरे डेढ़ सेल थे जो मेरे कानों के आ, आ, कान के सामने से जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है ये रिमूव हो गया था मेरा तो उसके बाद में देखेगा कितना अच्छा कितना फ्रेश फील हो रहा है मेरा चेहरा कितना सुंदर दिख रहा है तो उसके बाद में मेरा मसाज क्रीम की बारी थी तो मैंने बहुत अच्छे से पंद्रह से बीस मिनट तक मैंने मसाज किया पूरे चेहरे पे गले पे और अपर वर्ड्स की तरफ मैंने ले जाते हुए इसे अच्छे तरीके से पूरे फेस पे मैंने मसाज किया मैंने पूरा टाइम लेते हुए पूरा फेशियल किया गाइस पंद्रह मिनट बीस मिनट मैंने पूरा टाइम लिया और मैंने इस तरीके से फेशियल किया आप भी इस तरीके से फॉलो कीजिए गाइज इस तरीके से अपने पूरे चेहरे पे फॉलो कीजिए फेशियल स्टेप और 15 से 20 मिनट तक या तो 25 मिनट तक आप इस फेशियल को कर सकते हैं आपको किसी फंक्शन में जाना है या पार्टी अटेंड करनी है तो ये फेशियल आपके लिए बहुत ही आ, अच्छा है बजट फ्रेंडली भी है और इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है आप देख सक देख सकते हैं राइज तो चलिए उसके बाद में अब बारी आती है पैक की तो अब मैंने पैक ले लिया है और मैं अपने पूरे चेहरे पे पैक लगाने जा रही हूँ इसका पूरा का पूरा मैंने इसे अपने हथेली पे ले लिया और पूरे चेहरे पे मैंने इस तरीके से लगा लिया आप भी इस तरीके से लगाइएगा अपने पूरे चेहरे पे तरीके से मेरा पैक सूख चुका है तो मैंने इसे हल्के हाथों से भिगो लिया उसके बाद में हल्के हाथों से मसाज करते हुए मैंने इसे रिमूव कर दिया दे। देखिएगा इसका कितना शानदार रिजल्ट आया हुआ है कोई फिल्टर नहीं है ये मेरा रियल फेस है और देखिए आप देख सकते हैं अगर आपको भी लग रहा है कि फेस पे कुछ डिफरेंस आया है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बाय